तो नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल द वायरल स्टडी में। जी हाँ दोस्तों, इस बार मैं आप लोगों की डिमांड पर बहुत महत्वपूर्ण वीडियो लेकर आया हूँ। जी हाँ दोस्तों, ये जो वीडियो है वो है DFCCIL से संबंधित। जी हाँ दोस्तों, ये मैं पहले ही बता दूँ कि ये जो वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है सभी स्टूडेंटों के लिए, सभी DFCCIL स्टूडेंटों के लिए, जिन्होंने जो फर्स्ट फेज के कैंडिडेट हैं, सेकंड फेज के कैंडिडेट हैं और वेटिंग लिस्ट वाले हैं। दोस्तों मैं एक ही वीडियो में सभी जानकारी कवर करने की कोशिश करूंगा, तो मैं ये रिकमेंड करूंगा कि इस वीडियो में आप शुरू से लेकर अंत तक बने रहें, किसी भी वार्ड को स्किप ना करें। और दोस्तों यदि चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें। और दोस्तों वीडियो पसंद आए तो वीडियो की जानकारी को लाइक करने के बाद अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि सभी तक ये इन्फॉर्मेशन पहुँच सके। दोस्तों आप लोग काफ़ी समय से मुझे कमेंट कर रहे थे कि सर DFCCIL पर वीडियो बनाइए, DFCCIL पर आपने वीडियो बनाना बंद कर दिया है, आपने हम लोगों का साथ छोड़ दिया, इस प्रकार के काफ़ी कमेंट आ रहे थे। लेकिन दोस्तों यहाँ पे मैं आप लोगों से पहले ही बता देता हूँ कि दोस्तों क्या होता है कि जैसे सेकंड फेज़ का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल था, तो दोस्तों उस टाइम मैंने वीडियो नहीं बनाया, क्योंकि मैं फर्स्ट फेज़ के टाइम सभी वेस्ट वीडियो बना चुका था दोस्तों, और वीडियो बनाने में काफ़ी मेहनत लगती है। तो मैंने सोचा आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर उन वीडियो को विजिट कर सकते हैं, और उसके पहले भी आपको इन्फॉर्मेशन मिल गई होगी। और दोस्तों मैक्सिमम क्या होता है कि अपने पास ज़्यादा DFCCIL को लेकर कोई टॉपिक नहीं रहते दोस्तों, ज़्यादा टॉपिक नहीं रहते आजकल, तो दोस्तों फालतू टॉपिक पर वीडियो बनाना कोई काम का नहीं रहता। दोस्तों मैं यही चाहता हूँ कि जब भी अपने पास कोई इन्फॉर्मेशन आए तभी मैं वीडियो बनाऊँ। और दोस्तों अभी हाल ही में कोई अपडेट नहीं आ रहा DFCCIL का, इसीलिए वीडियो लेट आ रहा है। और दोस्तों ये जो मैं वीडियो लाया हूँ इसमें लगभग सभी जानकारी को कवर करूँगा, आप सभी के जितने भी सवाल हैं उनके उत्तर दूंगा, और ये वीडियो सभी के लिए महत्वपूर्ण रहेगा। तो वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक बने रहें। चलिए आज बात कर लेते हैं, आज अपन बात करेंगे दोस्तों सेकंड फेज़ की ज्वाइनिंग को लेकर, कब तक होगी सेकंड फेज़ की ज्वाइनिंग। वेटिंग लिस्ट वाले काफ़ी कमेंट कर रहे हैं कि वेटिंग लिस्ट कब तक आएगी, कब आएगी। और दोस्तों सेकंड फर्स्ट फेज़ जिन्होंने ज्वाइनिंग कर ली है दोस्तों, वो हैं अपने ट्रांसफ़र को लेकर परेशान, कहीं ना कहीं वो चाह रहे हैं उनको मनपसंद की जगह नहीं मिल पाई है, तो वो अपने म्यूचुअल ट्रांसफ़र को लेकर परेशान हैं। तो दोस्तों सभी की प्रॉब्लम सोल्व होगी इस वीडियो में। तो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं सेकंड फेज़ को लेकर। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि अभी हाल ही में जो सबसे ज़्यादा परेशान कैंडिडेट हैं वो हैं सेकंड फेज़ वाले, क्योंकि उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल कंप्लीट हो चुका है, लेकिन उनकी ज्वाइनिंग का भी कोई अपडेट नहीं आया है। तो दोस्तों यहाँ पर मैं सेकंड फेज़ वालों को स्पष्ट बता दूँ कि दोस्तों जो आपका अपडेट आएगा दोस्तों वो अप्रैल में आएगा। जी हाँ दोस्तों, मार्च लास्ट या अप्रैल फर्स्ट में आएगा, इससे पहले आपका कोई अपडेट आना थोड़ा सा मुश्किल है दोस्तों, तो आप थोड़ा सा वेट और कीजिए। फाइनली सभी के लिए DFCCIL को जो प्रोसेस है काफ़ी लेट हो चुका है, तो सभी काफ़ी समय से इंतज़ार कर रहे हैं, बस थोड़ा समय और वेट कीजिए। यहाँ पे आपको 20 से 25 दिन का वेट करना होगा, तब तक आपके लिए कोई ना कोई अपडेट मिल जाएगी, है ना। तो सेकंड फेज़ वाले थोड़ा सा वेट और करें, उनके लिए जो भी होगा सब कुछ अच्छा होगा। और दोस्तों उनको अपने मतलब मेडिकल का उनको स्टेटस जानना है, तो दोस्तों यहाँ पे मैं स्पष्ट बता दूँ कि सेकंड फेज़ में जिनका भी मेडिकल हुआ है उनको स्टेटस जानने का कोई उपाय नहीं, उनके लिए अब डायरेक्ट कॉल लेटर ही आएगा, इसके अलावा कोई अपडेट नहीं आएगा। और दोस्तों जैसे ही कॉल लेटर आएंगे मैं आपको वीडियो के माध्यम से अपडेट कर दूँगा। तो फिलहाल आप 20 से 25 दिन का वेट कीजिए, इससे पहले या इसके बाद दोस्तों कोई अपडेट आ सकती है। तो दोस्तों सेकंड फेज़ वालों को करना होगा थोड़ा सा और इंतज़ार, फाइनली उनके लिए बहुत जल्द आएगी खुशखबरी। और मेडिकल में जिन लोगों का नॉर्मली मेडिकल सब कुछ ठीक गया है, तो दोस्तों वो बिल्कुल भी टेंशन ना लें, उनका मेडिकल ही फिट हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों फर्स्ट फेज़ में काफ़ी कम कैंडिडेट हैं जो मेडिकल से बाहर हुए हैं, 2 से 4 ही कैंडिडेट ऐसे होते थे हर बैच में जो मेडिकल में अनफिट घोषित हुए हैं। तो दोस्तों आप परेशान ना हो, आपका सब कुछ अच्छा होगा। अब बात कर लेते हैं वेटिंग लिस्ट को लेकर। जी हाँ दोस्तों, काफ़ी समय से वेटिंग लिस्ट वाले कमेंट कर रहे हैं, तो यहाँ पे वेटिंग लिस्ट वालों के लिए मैं बता दूँ माफ़ कीजिए, यहाँ पे वेटिंग लिस्ट वालों के लिए मैं बता दूँ कि दोस्तों आप लोग पूछ रहे थे कि सेकंड फेज़ में कितने कैंडिडेट डॉक्यूमेंट और मेडिकल के प्रेजेंट हुए, तो दोस्तों इसकी अपडेट डॉक्यूमेंट और मेडिकल लगभग 1 महीने चला, तो दोस्तों इसकी हर दिन की अपडेट तो मुझे मिलना इम्पॉसिबल थी, इसीलिए मैंने इस पर वीडियो नहीं बनाया। लेकिन दोस्तों वेटिंग लिस्ट वालों को थोड़ा और इंतज़ार करना होगा, और यहाँ पे मैं आपको आश्वासन दिला सकता हूँ कि 99% आपकी वेटिंग लिस्ट आएगी, तो आप बिल्कुल भी परेशान ना हो। और फर्स्ट फेज़ में लगभग जहाँ पर मैंने आपको बता ही दिया था कि 150 से 160 कैंडिडेट ऐसे हैं जिन्होंने ज्वाइन नहीं किया है दोस्तों, तो आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है कि डॉक्यूमेंट और मेडिकल के टाइम कौन उपस्थित रहा कौन अनुपस्थित रहा, दोस्तों आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है कि किसने ज्वाइनिंग की किसने ज्वाइनिंग नहीं की। तो दोस्तों फर्स्ट फेज़ में यहाँ पे लगभग 160 सीटें खाली रह गई थी, और सेकंड फेज़ में जैसे ही ज्वाइनिंग सेकंड फेज़ की कंप्लीट होगी उसके बाद मैं आप लोगों के लिए सेपरेट वीडियो बनाऊंगा कि सेकंड फेज़ में कितनी सीटें खाली हैं। वैसे भी दोस्तों 896 में से यहाँ पे 160 से अधिक सीटें तो खाली रह गई हैं फर्स्ट फेज़ में,
और सेकंड फेज में भी लगभग इतनी ही सीटें आप खाली समझिए, क्योंकि दोस्तों अभी रेलवे की भी लिस्ट आ रही है, रेलवे में बहुत लोगों का सिलेक्शन हो रहा है, कुछ का हो गया है, तो दोस्तों आप ये मान के चलिए कि इतनी ही सीटें फिर से खाली रहेंगी, तो वेटिंग लिस्ट में अच्छे खासे चांसेस हैं आप लोगों के आने के, जो कम से कम एक से दो नंबर से कम, एक या दो नंबर कम थे जिनके, उनके अभी वेटिंग लिस्ट में आने का चांसेस है, तो आप बिल्कुल भी परेशान ना हो। द वायरल स्टडी ने आपसे वादा किया था हमेशा आपके साथ, तो TVS हमेशा आपके साथ रहेगा, द वायरल स्टडी हमेशा आपके साथ रहेगा, है ना। तो आप बिल्कुल भी सेकंड फेज वाले और वेटिंग लिस्ट वाले भी तो बिल्कुल ना हो परेशान दोस्तों, आप लोगों के लिए अपडेट रेगुलर मिलती रहेगी जब भी कोई अपडेट होगी। अब बात कर लेते हैं फर्स्ट फेज वालों की। जी हाँ दोस्तों, फर्स्ट फेज म्यूचुअल ट्रांसफर को लेकर काफ़ी कैंडिडेट परेशान है, और दोस्तों ये जो इन्फॉर्मेशन मिलती है मुझे, काफ़ी कैंडिडेट मेल के माध्यम से हमें इन्फॉर्मेशन देते हैं या मेल के माध्यम से हमसे क्वेश्चन पूछते हैं, उन्हीं पर भी वीडियो बनाया जा रहा है दोस्तों। म्यूचुअल ट्रांसफ़र को लेकर भी काफ़ी मुझे एक दो मेल आए थे कैंडिडेटों के, तो दोस्तों यहाँ पे म्यूचुअल ट्रांसफ़र की बात कर लें तो दोस्तों कोई दिक्कत नहीं है, आप सभी का म्यूचुअल ट्रांसफ़र हो जाएगा। जैसे मोस्टली कैंडिडेट बिहार से हैं, और मोस्टली कैंडिडेटों को जो बिहार से बिलोंग करते हैं उनको जयपुर यूनिट में या राजस्थान में उनका पोस्टिंग दे दी गई है, तो बहुत सारे कैंडिडेट परेशान हैं जो टुंडला या इलाहाबाद या मुगलसराय साइड ट्रांसफ़र चाहते हैं। तो दोस्तों द वायरल स्टडी ने वादा किया था कि हमेशा आपके साथ, तो दोस्तों यदि आप हमारा साथ दे दें तो हम हमेशा आपके साथ रहेंगे। साथ ही साथ यहाँ पर कुछ बातें उठी है अभी हाल ही में, ग्रुप में भी मुझे पता चला कि मतलब यहाँ पे यूनिटी की बात उठी है, तो दोस्तों यदि आप हमारा साथ देंगे तो हम हमेशा आपके साथ रहेंगे। आप यूनिटी की बात कर लें और वीडियो के माध्यम से सभी लोगों में यूनिटी की बात पहुँचाना एक काफ़ी आसान तरीका होता है, तो यदि दोस्तों आप हमारा साथ देंगे तो हम आपके लिए जो भी आप बोलेंगे, आप हमें मेल के माध्यम से अपने क्वायरी बताइए, आप अपने टॉपिक बताइए, उस पर भी हम वीडियो ज़रूर बनाएंगे और हम आपके साथ हमेशा रहेंगे। तो दोस्तों यूनिटी की बात तो करेंगे बाद में, फिलहाल बात करते हैं फर्स्ट फेज की। जिन लोगों ने ज्वाइनिंग ले ली है और जिन लोगों को म्यूचुअल ट्रांसफ़र चाहिए, कैसे होगा उसकी प्रोसेस दोस्तों मैं आपको आराम से बता दूंगा, कोई दिक्कत नहीं मुझे बताने में। लेकिन दोस्तों जैसा कि आप, मैंने आपसे पहले ही बोला था कि दोस्तों यहाँ पे जो मैं एक साल से, लगभग एक साल कंप्लीट होने को और एक साल से ज़्यादा ही हो गया मुझे वीडियो बनाते हुए, लेकिन दोस्तों मैंने आप लोगों से बोला था कि जब आपकी ज्वाइनिंग हो जाए, जब आपकी सैलरी आ जाए तो आप हमें हेल्प और सपोर्ट करें। लेकिन दोस्तों यहाँ पर फर्स्ट फेज वालों ने, यहाँ पे मैं आपको 100% श्योरिटी से बता रहा हूँ, यहाँ पे छः से आठ कैंडिडेट हैं जिन्होंने सिर्फ सपोर्ट किया। मतलब दोस्तों आप खुद सोचिए, 450 में से 6 से 8 कैंडिडेट ही मात्र ऐसे हैं जिन्होंने सपोर्ट किया। और यदि दोस्तों इनकम की बात कर लें, जिन लोगों को भी ऐसा लगता है कि द वायरल स्टडी ने जिनकी ज्वाइनिंग हो गई उनसे पैसा ले लिया है, तो दोस्तों यहाँ पर मैं आपको स्पष्ट बता रहा हूँ, यहाँ पर मुझे यदि टोटल कैंडिडेटों की पैसे मिला लिए जाएँ तो 2000 रुपये भी कंप्लीट नहीं हुए मुझे अभी, कि 2000 रुपये भी मिल गए हों इन सभी कैंडिडेटों से। तो दोस्तों यदि फर्स्ट फेज वाले हमें रेगुलर यहाँ पे हेल्प और सपोर्ट करते हैं, दोस्तों मैं ये कोई आपके लिए बाध्यता नहीं रखता कि आप हमें 2000 रुपये सेंड कीजिए, 1000 रुपये सेंड कीजिए, 500 रुपये सेंड कीजिए। आप दोस्तों 50 रुपये से जितना आपका मन हो आप हमें ट्रांसफ़र कर सकते हैं दोस्तों, यदि आप हमें हेल्प और सपोर्ट करेंगे तो हम हमेशा आपके साथ रहेंगे दोस्तों। क्योंकि आप लोगों को भी पता है कि फ्री में तो कोई चीज़ रेगुलर करना इम्पॉसिबल रहती है दोस्तों, जितनी मुझसे हो सकता है मैं उतनी मेहनत करता हूँ, लेकिन दोस्तों पैसे की सबको ज़रूरत होती है और मुझे हेल्प और सपोर्ट आप लोगों का ज़रूर चाहिए दोस्तों। क्योंकि यूट्यूब की वीडियो में यहाँ पे बता दूँ दोस्तों, अभी भी मेरे $100 कंप्लीट नहीं हुए, $95 कंप्लीट हुए हैं यहाँ पे, मान के चलिए आप लगभग 5500 या 6000 के आसपास आप मान के चलिए, 6000 रुपये मात्र आए हैं। जब $100 होंगे तब मेरी पेमेंट आउट होगी लगभग 7000 के आसपास। तो दोस्तों अभी एक साल से मुझे 1 रुपये भी नहीं मिला, और दोस्तों मैं रेगुलर आपके लिए मेहनत कर रहा हूँ, तो आपका इतना फ़र्ज़ बनता है कि फाइनली आपकी ज्वाइनिंग के बाद, सैलरी आने के बाद तो आप हमें सपोर्ट कर सकते हैं दोस्तों। यदि आप हमें हेल्प और सपोर्ट करेंगे तो हम आपका म्यूचुअल ट्रांसफ़र कैसे होगा उसकी पूरी डिटेल में वीडियो बनाएंगे दोस्तों, और फुल इन्फॉर्मेशन देंगे आपके लिए। तो जैसे ही हमें 100 लोग सपोर्ट कर देंगे दोस्तों, मैं ये नहीं चाहता कि सभी 450 कैंडिडेट ही सपोर्ट करें, यदि टोटल 450 में से लगभग 100 कैंडिडेट ही हमें सपोर्ट कर देते हैं तो दोस्तों आपके लिए रेगुलर वीडियो बना दूंगा म्यूचुअल ट्रांसफ़र से लेकर, फॉर्म कहाँ मिलेगा, कैसे ट्रांसफ़र, कैसे फॉर्म को फिल करना है, कैसे ट्रांसफ़र होगा, और कौन से कैंडिडेट कहाँ पे हैं, कहाँ आना चाहते हैं, सब की वीडियो मैं दोस्तों आप लोगों के लिए बना सकता हूँ। लेकिन दोस्तों फर्स्ट फेज वालों ने सपोर्ट नहीं किया, यदि आप हमें सपोर्ट करें और जैसे ही 100 कैंडिडेट कंप्लीट होंगे हमें सपोर्ट कर देंगे 100 कैंडिडेट, तो मैं दोस्तों वीडियो बना दूंगा। फिलहाल अभी सिर्फ 6 से 8 कैंडिडेटों ने सपोर्ट किया है।
तो दोस्तों यदि आप हमें हेल्प और सपोर्ट करना चाहते हैं तो फोनपे के माध्यम से द वायरल स्टडी एट द रेट YBL पे आप पैसे ट्रांसफर कर सकते हैं, पेटीएम के माध्यम से द वायरल स्टडी एट द रेट पेटीएम पे, और भीम UPI के थ्रू आप द वायरल स्टडी एट द रेट UPI पे आप पैसे ट्रांसफर कर सकते हैं। वेरीफाई में नाम लिखा आएगा प्रकाश, और दोस्तों आपको QR कोड हमारी कम्युनिटी टैब में मिल जाएगा। यदि आप हमारे QR कोड से डायरेक्ट आप QR कोड स्कैन करके पैसे ट्रांसफर करना चाहते हैं तो कम्युनिटी टैब में आपको भारत पे का QR कोड मिल जाएगा, उसमें वेरीफाई में नाम लिखा आएगा TVS का फुल फॉर्म है द वायरल स्टडी। तो दोस्तों आप हमें हेल्प और सपोर्ट कर सकते हैं। और यहाँ पे दोस्तों कुछ कैंडिडेटों के मन में बात आ गई होगी कि द वायरल स्टडी अब सिर्फ पैसों के लिए कर रहा है ये सब, तो दोस्तों मैं यहाँ पे आप लोगों को बता दूं, मैंने आप लोगों पे फर्स्ट फेज वालों पे पूरा ट्रस्ट किया था और आप लोगों के लिए शुरू से लेकर अंत तक बना रहा। दोस्तों आप लोगों की सैलरी भी आ गई, लेकिन आपने भी तो धोखा ही किया है, आपने मुझे सपोर्ट थोड़ी किया। 6 से 8 कैंडिडेटों ने ही सपोर्ट किया, और जिनने सपोर्ट किया है वो हमें अपनी आप हमारी मेल पे आप हमें मेल कीजिए, उनको म्यूचुअल ट्रांसफर की जानकारी बाय मेल के थ्रू मैं प्रोवाइड करा दूंगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं। लेकिन दोस्तों जैसे ही 100 कैंडिडेट हमें हेल्प और सपोर्ट कर देंगे, चाहे आप 50 रुपये करें चाहे 100 रुपये, जैसे ही 100 कैंडिडेट हमें सपोर्ट करेंगे दोस्तों उसके बाद पूरी जानकारी फ्री रहेगी। और दोस्तों सेकंड फेज वालों के लिए और वेटिंग लिस्ट वालों के लिए हमेशा की तरह जानकारी सब कुछ फ्री रहेगी, जैसे ही कोई अपडेट आएगा पूरी जानकारी फ्री रहेगी। और दोस्तों यदि आप चाहते हैं कि मतलब मैं चाहता तो दोस्तों मेरे में ज्वाइन बटन भी आ गया, मुझे ज्वाइन बटन भी मिल गया, मैं चाहूँगा तो पर्सनली वीडियो सिर्फ जो ज्वाइन करेंगे वही देख पाएंगे, उनके लिए भी मैं ऐसा वीडियो बना सकता हूँ कि पर्सनली उन्हीं को देखे। लेकिन दोस्तों मैं आपसे ज़बरदस्ती पैसा नहीं लेना चाहता, आप हमें हेल्प और सपोर्ट करें और मैं जो जानकारी देना चाहता हूँ वो सभी तक पहुँचे, यही मेरा उद्देश्य है। इसीलिए मैं दोस्तों आप लोगों से बोल रहा हूँ, आप हमें हेल्प और सपोर्ट कीजिए और हम आप लोगों के लिए हर एक वीडियो बना दूंगा। दोस्तों जो भी आप हमें ईमेल के माध्यम से कमेंट करेंगे या ईमेल के माध्यम से जानकारी देंगे उस पर बेस्ड वीडियो बना दूंगा, और दोस्तों हमेशा आपके साथ रहूँगा, कोई दिक्कत नहीं है ना। और जिसको भी मेरी बात बुरी लगी हो और जो भी पैसे ट्रांसफ़र करना नहीं चाहता वो इस बात को इग्नोर कर दे, कोई दिक्कत नहीं मुझे दोस्तों। लेकिन सेकंड फेस और वेटिंग लिस्ट वालों के लिए हमेशा की तरह जानकारी बिल्कुल फ्री रहेगी, और आप पे विश्वास है कि आप हमें हेल्प और सपोर्ट ज़रूर करेंगे, क्योंकि दोस्तों जब तक आपको नौकरी नहीं मिली थी तब तक आप परेशान थे, और अब सैलरी आने के बाद आप तो मुझे भूल ही गए हैं। तो याद करते रहिए, थोड़ा बहुत सपोर्ट करते रहिए, रेगुलर आपको जानकारी मिलती रहेगी। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें। थैंक यू।